क्लासेस अपन डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 12 के बारे में, ठीक है। एक्सरसाइज 12.1 डिस्कस कर ली थी, 12.2 भी डिस्कस कर ली थी और 12.3 के क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस कर लिए थे। इस वीडियो में देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। फिगर आपको गिवन था, फिगर मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया और वो आपका क्वेश्चन नंबर 8 का फिगर है, ठीक है ना। तो देखिए फिगर के अंदर क्या गिवन है, देखते हैं। इन फिगर ए 12.25 ए बी सी डी इज स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, यानी ए बी सी डी क्या है आपका स्क्वायर है जिसकी साइड क्या है 14 सेंटीमीटर। तो ये 14 है तो ये भी 14, ये भी 14, ये भी 14, क्योंकि स्क्वायर का सभी साइड क्या होती है इक्वल होती है। एरिया क्या होता है स्क्वायर का साइड, ठीक है। सेंटर ए बी सी डी 4 सर्किल आर ड्रॉन सच दैट ईच सर्किल टच एक्सटर्नली टू ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्किल, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। आपको क्या निकालना है कि ए बी सी डी के आपके सेंटर है, क्या है आपके सेंटर है, तो ये सेंटर है तो ये क्या हो गया आपका सेक्टर हो गया, ये भी सेक्टर हो गया, ये भी सेक्टर हो गया, ये भी सेक्टर हो गया, और चारों के चारों सेक्टर क्या आपके सेम है, चारों के चारों सेक्टर क्या आपके सेम है। तो मैं यदि इन सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करूं तो 4 इंटू इस एरिया ऑफ सेक्टर, यानी एरिया ऑफ इस सेक्टर हो जाएगा। फिर मैं इस पूरे स्क्वायर में से इन सेक्टर का एरिया में माइनस कर दूंगा तो रिमेनिंग वैल्यू आपकी यही तो आएगी, इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखिए, आपको फाइंड आउट करना है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यही तो फाइंड आउट करना है, ठीक है। यही फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करो तो इस पूरे स्क्वायर में से, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर इसमें से माइनस करना है 4 इंटू एरिया ऑफ ईच स्क्वायर ना ईच सेक्टर, ये आपको फाइंड आउट इसमें करना है, समझ गए होंगे। अब अपन साइड यानी एरिया ऑफ स्क्वायर जानते हैं क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर कौन सा आपका, वो भी मैं यहां पे रिप्रेजेंट कर देता हूं, कौन सा है ए बी सी डी, चलिए ठीक है। अब स्क्वायर है तो ये 90 डिग्री हो गया और ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो सबसे पहले तो मैं इसका स्क्वायर फाइंड आउट करूं, तो इसका स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड का होल स्क्वायर, माइनस करना है 4 इंटू एरिया ऑफ इस सेक्टर, तो सेक्टर का एरिया क्या होता है थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये आपका सेक्टर का एरिया। साइड यानी साइड कितनी है 14, तो 14 का होल स्क्वायर आएगा माइनस 4 इंटू ये कितना आपका थीटा कितना है 90 डिग्री अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू आपको गिवन है क्या देख लेता हूं मैं, नहीं गिवन तो आपकी मर्जी, कितना लिख सकता हूं 22 अपॉन में 7, आर की वैल्यू कितनी है 14, तो साइड हो गई, तो ये आपका मिड पॉइंट का काम करेगा, तो ये वाली साइड 7 और ये वाली साइड 7, ठीक है ना। तो रेडियस आर की वैल्यू यहां पे कितनी है 14/2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, क्लियर बात। तो ये 14 नहीं है, यहां पे कितना लिखूं 7 × 7, ये लिखना है आपको। 14 का स्क्वायर करूं तो 196 माइनस 4 इंटू 19, इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो 4, तो 1 अपॉन में 4 इंटू ये 7, इस 7 से कैंसिल आउट, इसका और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 154 आ जाएगा, इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट तो 196 माइनस 154, इसमें से आप माइनस करोगे तो वैल्यू आएगी 42 सेंटीमीटर में थी, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो समझ गए होंगे मैंने क्या किया है, सबसे पहले स्क्वायर वाले एरिया में से इस सेक्टर का एरिया मैंने क्या किया है माइनस किया है, तो ये चारों के चारों सेक्टर क्या आपके इक्वल है, तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई करके एक सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कर लिया और उस 4 इंटू एरिया ऑफ इस सेक्टर को मैंने माइनस कर दिया स्क्वायर के एरिया में से, तो ये जो शेडेड रीजन आपको दिख रहा है इसका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा।
तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, इसको आप नोट डाउन कीजिए। अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। फिगर आपको गिवन था, फिगर में देखिए क्या क्या गिवन है। फिगर डिपिक ए रेसिंग ट्रैक हुज द लेफ्ट एंड राइट एंड ऑफ द सेमी सर्किल। ये क्या आपके दोनों सेमी सर्किल है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट, यानी इन दोनों के बीच में जो इनर वाली जो पैरेलल लाइन है इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 60 मीटर है। ये लीजिए, दे आर ईच 106 कितनी है लॉन्ग आपकी, 106 मीटर आपकी लॉन्ग है। तो ये डिस्टेंस हो गई आपकी, ये जितनी होगी वही आपकी अंदर वाली होगी, ठीक है ना। इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, अब ये जो लेंथ है ये कितनी है आपकी, 10 मीटर वाइड है, यानी चौड़ा है, 10 मीटर चौड़ा है। सबसे फर्स्ट में इसमें फाइंड आउट करना है कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर अच्छा ये है क्या, मैं कहां चला गया, देखो द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, ये फाइंड आउट करना है। और फिर आपको सेकंड में फाइंड आउट करना है द एरिया ऑफ द ट्रैक, द एरिया ऑफ ट्रैक, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहले समझना है क्वेश्चन की थीम को। देखो आपको सबसे पहले तो क्या निकालना है कि द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग द इनर एज, यानी इस इनर एज की लेंथ निकालनी है। तो ध्यान से देखना, मैं पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये पॉइंट आपका ए ले लेता हूं, ठीक है, ये पॉइंट में बी ले लेता हूं, तो ये सी और ये आपका डी। तो सबसे पहले तो इसकी रेक्टेंगल शेप में, क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों पैरेलल है, तो ये वाली साइड इक्वल और ये वाली अपने आप इक्वल हो जाएगी। फिर मैं इस पूरे के अंदर ये भी आपको एक सेमी सर्किल की सर्कमफेरेंस दिख रही होगी आपको, तो इसका भी अपन क्या करेंगे, इसमें ये और ये ऐड करेंगे। तो ये पॉइंट में ले लेता हूं, यहां तक तो हो गया अपना, ठीक है। तो ध्यान से देखना, इस सी को ना लेके मैं इस पूरे को लेता हूं, ये क्या है आपका सी और ये क्या आपका डी ई और एफ। फिर मैं इसको भी ले लेता हूं एफ, ये जी एच आई जे के और एल और ये जी वापिस आ गया, इतना आपको निकालना है। तो ध्यान से देखना, ये आपका सेंटर पॉइंट ओ हो गया और इस सेंटर पॉइंट को मैं ओडेस ले लेता हूं। जो सर्क्यूम सर्किल यानी जो हाफ सर्किल इधर है वो ही सेम इधर है, ठीक है। ये 60 है तो इसी का हाफ क्या आपका 30 हो गया। तो ये जो लेंथ आपको दिख रही है वो रेडियस हो गई, किसकी हो गई रेडियस, अंदर वाले सर्किल की ले लेता हूं मैं। तो इस सर्किल की रेडियस कितनी हो गई, आर टू ले लेता हूं, कितनी 30 सेंटीमीटर। और जो बाहर आपको दिख रहा है ये, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, इसको मैं आर टू ले लेता हूं, ये पूरी लेंथ, ये कितनी हो जाएगी आर वन, कितना ये 30 प्लस ये कितना है 10, यानी 40 हो गई, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट फाइंड आउट करूं तो फर्स्ट के अंदर आर वन मैंने कितना लिया है 40 सेंटीमीटर और आर टू कितना ले लिया मैंने 30 सेंटीमीटर, समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो ये जो बाहर आपको दिख रहा है ये 40, ये कितना हो गया 60 और ये 10 और ये 10, ये टोटल कितनी हो गई यहां से और यहां तक कितनी हो जाएगी, ये देखो ये 60 प्लस 10 प्लस 10 कितना 80 हो गई, 80 सेंटीमीटर, इतना आपको इसमें करना है, ठीक है।
अब मैं इसको फाइंड आउट करना हूं, एक एक चीज ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको लेंथ निकालनी इनर वाली, तो इनर वाली लेंथ में निकालू तो ध्यान से देखना, फर्स्ट में क्या फाइंड आउट करना है मेरे कि द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, ये निकालना है मुझे। अब ये निकालना है तो सबसे पहले देखो ये डिस्टेंस कौन सी आपकी, ये ए बी देखना ध्यान से, ए बी प्लस आर्क कौन सी बी सी डी, ये ले रहा हूं मैं आर्क बी सी डी। अब ये हाफ सर्किल हो गई और हाफ सर्किल की सर्क्यूफ्रेंस कितनी, 2πr/2। वैसे तो ये आर भी एड होता है लेकिन आर को यहां पे नहीं, क्योंकि इसको तो एड ही नहीं कर रहा हूं, यहां तक ये चल रहा हूं मैं। अब वापिस कौन सी डी सी डी ई प्लस फिर आर्क ई एफ ए। अब इसकी लेंथ कितनी है 106 और ये आर कितना होगा 2πr, और इसको इसको मैं ऐड कर दो तो 2πr हो जाएगी, लेकिन आप हाफ भी ले लो एक बार। देखो मैं इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को इसे ऐड करूं तो इस टाइप से ये बनेगा, ये पॉइंट आपका ई और डी हो गया, ठीक है ई डी, और ये पॉइंट आपका ए बी हो गया, और ये पॉइंट सी हो गया, और ये पॉइंट आपका एफ हो गया, इस टाइप से। तो ये सर्किल की सर्कमफेरेंस हो जाएगी, लेकिन हाफ ले लो ना, चलो तो हाफ लेना है तो ये 2 प्लस डी की वैल्यू 106 प्लस इसकी 2πr/2। इनर की बात चल रही है तो इसकी रेडियस कितनी है आपकी R2 और इसकी रेडियस कितनी है R2, ठीक है। तो ये रेडियस आपकी आउटर होगी, ये रेडियस आपकी इनर होगी, ठीक है ये ध्यान रखना। इसको और इसको मैं ऐड करूं तो कितना हो गया 212 प्लस इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, इतनी वैल्यू आ गई आपकी। अब R की वैल्यू कितनी है पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू R2 कितना है 40 प्लस ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 22/7 R2 कितना है आपका 40, ये लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्लस 2 मल्टीप्लाई में इन सबको मैं ऐड कर दूं, ठीक है तो ये तो डबल हो जाएगा, तो 2 × देखो इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 880/7 आ जाएगा, ठीक है ना, या फिर आप अलग अलग कर लो। देखो मैं अलग अलग कर देता हूं तो ये 22/7 मल्टीप्लाई होगा तो 880/7 और ये भी आपका 880/7। एलसीएम ले लो तो एलसीएम कितना आ रहा है आपका 7, एलसीएम कितना आ रहा है 7, ये 7 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 14 और ये 7 एक 15 और ये आपका 14, ठीक है देखो ये आपका 14 फिर 7 और ये 8 और ये आपका 14, ये वैल्यू आ जाएगी, ये 880 प्लस 880 इन सबको ऐड कर देता हूं मैं तो 4 तो ये तो 4 हो गया, 8 16 और 16 और 8 24 कैरी कितना 2, 4 8 16 4 20 और 22 और ये 1 और 1 और 1 3/2 तो ये आ जाएगा आपका इतना, ठीक है सेंटीमीटर। लेंथ फाइंड आउट करनी थी तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है ना, मैंने 40 लिया है क्या, अच्छा ये 30 है भाई, क्योंकि आपको ये तो रेडियस लेनी है R2, तो R2 की वैल्यू कितनी है 30 × 30 और ये 30, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 660 आ जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 660 आ जाएगा और ये वैल्यू आपकी 660 और ये वैल्यू आपकी
660, ठीक है ना। अब करते हैं इसको, देखो ये तो 4, 6, 6, 12, 12 प्लस 8, 20, 20 का 0, फिर ये 12 और 4 कितना 16, और 16 और 2 18, और ये 2, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है। अब देखता हूं इसका आंसर फर्स्ट का आ रहा है क्या, ठीक है, मेरे हिसाब से तो आ रहा होगा, चेक कर लेता हूं मैं एक बार। ठीक है, ये आपका आंसर आ रहा है, क्लियर बात, समझ गए होंगे आप, ठीक है। देखो मैंने क्या किया है, इस लेंथ को ऐड किया है, फिर ये आपकी सेमी सर्किल की सर्क्यूफ्रेंस हो जाएगी, फिर मैंने इस ऐड किया है, फिर इसको ऐड किया है, इतना किया है मैंने। अब मुझे सेकंड के अंदर एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्रैक, एरिया ऑफ द ट्रैक ये फाइंड आउट करना है। अब मैं इसका एरिया फाइंड आउट करूं तो ध्यान से देखना, पहले इसको मैं हटा दूं इतने पार्ट को, इतने पार्ट को मैं हटा दूं तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, देखो पहले मैं इसकी सर्क्यूफ्रेंस निकालूंगा, ठीक है, और फिर ये क्या आपका, ये क्या है, रेक्टेंगल है, और ये बाहर वाला क्या है, रेक्टेंगल, देखना इस टाइप से बन रहा होगा, आप ध्यान से देखना थोड़ा सा, आपको ये एरिया चाहिए, ये लेंथ कितनी है 80, और यहां से यहां तक कितनी है 60, और ये कितनी है 106, और ये अंदर वाली कितनी है 106, ठीक है। तो सबसे पहले देखना, मैं पूरा यहां पे लिख रहा हूं, वो साथ में मिटाऊंगा तो देख लेना आप, मुझे चाहिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अब रेक्टेंगल कौन सा है देखना ध्यान से, बाहर वाला जी एच जे के, जी एच जे के, इसका एरिया माइनस करना पड़ेगा, किसको माइनस, अंदर वाला का, तो अंदर वाला एरिया ऑफ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा, ए बी डी ई, ये ठीक है। फिर इन दोनों को मैं ज्वाइन करवाऊं, इन दोनों को ज्वाइन करवाऊं तो इसके बाहर ही तो बनेगा ये, ऐसे को इसी का तो एरिया चाहिए मुझे, इसकी रेडियस कितनी है आपकी आर टू, और ये जो पूरी रेडियस कितनी है आपकी आर वन, तो मैं इस कॉन्स्टेंटिक सर्किल का क्या कर दूं एरिया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर प्लस सेमी सर्किल का एरिया लिख दो या फिर कॉन्स्टेंटिक सर्किल का एरिया लिख दो, सेमी सर्किल का लिखो तो भी बात वही है, कॉन्स्टेंटिक सर्किल का लिखो तो भी एरिया तो आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को मैं ज्वाइन करवाऊंगा, तो ज्वाइन करवाते ये सेम मिलेगा आपको, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लेना थोड़ा सा, ये 6 6 आपका, देखना जो आपको ज्वाइन करवाने के बाद जो शेप मिलेगा वो इस टाइप से मिलेगा, ये एरिया आपको फाइंड आउट करना है, ये एरिया कैसे फाइंड आउट होगा, इस रेडियस आर टू और इसकी रेडियस आपकी आर वन है, तो इस पूरे वाले सर्किल का एरिया में से इस वाले सर्किल का एरिया माइनस करना है तो आ जाएगा, तो मैं वही कर देता हूं, एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल, एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल। तो अब ध्यान से देखो, मैं एरिया फाइंड आउट कर रहा हूं, तो रेक्टेंगल का एरिया में फाइंड आउट करूं तो रेक्टेंगल का एरिया कितना आएगा वो देखिए ध्यान से, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ यानी लेंथ इंटू ब्रिथ, तो पहले आपको लेंथ इसकी निकालनी, तो इसकी लेंथ कितनी है 106 इंटू, ये बाहर वाले हैं तो बाहर वाला की जो ब्रिथ है वो कितनी है 80, माइनस करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी, तो इसकी
लेंथ कितनी है 106 इंटू ब्रिथ कितनी है इसकी 60, समझ गए होंगे ठीक है ना, कैसे लिया मैंने ये ध्यान में रखना, 60 आ रहा ना, ये 60 है ठीक है। अब आपको प्लस करना है एरिया ऑफ कॉन्स्टेंटिक सर्किल, तो कॉन्स्टेंटिक सर्किल की एरिया देखो, इसका मैं सर्किल का एरिया फाइंड आउट करूं तो पाई आर वन का स्क्वायर माइनस आर टू का स्क्वायर, ये तो आएगा, तो पाई आर वन का स्क्वायर माइनस आर टू का स्क्वायर, ये 106 को मैं कॉमन निकाल दूं तो 80 माइनस 60 प्लस पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 इंटू आर वन, आर वन कितना है 40 का स्क्वायर और आर टू कितना है 30, तो 30 का स्क्वायर यह आ जाएगा। ये 106 इंटू ये वैल्यू कितनी आ गई 20 प्लस 22 अपॉन 7 इंटू, इसको मैं क्या लिख सकता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी यानी 40 प्लस 30 इंटू 40 माइनस 30 ये आ जाएगा। इसको मैं मल्टीप्लाई करूं इसके साथ में तो ये 12 और ये 2 और ये 0 और ये 22 अपॉन में 7 इंटू ये कितना 7, एड करना ना तो एड करेंगे तो 70 हो जाएगा, 70 इंटू 10 ये वाली वैल्यू, इससे मैं कैंसिल आउट करूं तो यहां पे 10, तो 2120 प्लस में देखो ये 22 इन दोनों का मल्टीप्लाई 100 और ये 100 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये यहां पे 00। अब इन दोनों को ऐड कर देता हूं मैं तो ये 0 फिर ये 2 और ये 1 और 2 कितना 3, 2 2 कितना 4 सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है, शायद मीटर में था तो ये वैल्यू भी आपकी मीटर में आएगी और ये वैल्यू भी आपकी मीटर में आएगी ठीक है ना, ये मीटर में है सारा, ये ध्यान रखना, ये लीजिए ऐसे अपन एरिया को फाइंड आउट कर लेंगे, समझ गए होंगे। अब आप इसको पॉज करके नोट डाउन कीजिए, अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे ठीक है ना, ध्यान से समझ लेना इसको। देखो मैंने एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट किया है, इसका एरिया का रेक्टेंगल यानी इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट ये हो गया, फिर इसमें से मुझे ये ट्रेक निकालनी है, तो इस टोटल में से इस वाले देखो ये टोटल में से इस रेक्टेंगल को मैं माइनस करूंगा तो आ जाएगा ये वाला, फिर आपको यदि ये जो साइड में सेमी सर्किल लगा हुआ है इन दोनों को ज्वाइन करूंगा तो एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल बनेगा, तो एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल का एरिया क्या हो जाएगा पाई इंटू, क्योंकि बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करूंगा तो बड़े वाले का सर्किल देखो ये तो आएगा पाई आर वन स्क्वायर माइनस पाई आर टू स्क्वायर, मैंने आर पाई को कॉमन ले लिया तो ये वाली फॉर्म आ जाएगी ठीक है ना, ऐसे अपन इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अब आप इसको पॉज करके नोट डाउन कीजिए, चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 9 में, फिगर गिवन है, फिगर में ड्रॉ कर देता हूं, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 9 में जो फिगर आपको एक सर्किल गिवन है, ये एक सर्किल है ठीक है, इसके अंदर भी एक सर्किल गिवन है, तो ये तो डायमीटर हो गया और इतना आपको ठीक है ऐसे दिया हुआ आपको, ठीक है ना, ढंग से नहीं बने तो आप बना लेना भाई इसको, फिर मैं कोशिश कर देता हूं थोड़ी सी, ये लीजिए ठीक है ना, कुल मिला के ठीक है आप बना लेना, ये भी डायमीटर है और आपको ये एरिया फाइंड आउट करना है ठीक है ना, कौन सा देखना, ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, ये ओ पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ए और ये डी ठीक है ना, आपको जो एरिया लाइन वाला दिख रहा है ब्लू लाइन वाला वो फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है सबसे पहले वो देखिए, क्वेश्चन के अंदर आपको एक फिगर तो गिवन है ही है और फिगर में ये बोला है कि ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर ऑफ सर्किल, ए बी और सी डी के आपके दो डायमीटर है
विथ सेंटर ओ परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये दोनों क्या है परपेंडिकुलर है, तो ये लीजिए परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल हो गया, ठीक है। ओडी इज द स्मॉलर डायमीटर ऑफ स्मॉल सर्किल, ओडी इज द डायमीटर ऑफ स्मॉल सर्किल, ओडी क्या है आपका स्मॉल सर्किल, इसका डायमीटर है, ठीक है। इफ द ओए इक्वल टू ओए, ओए कितना है आपका 7 सेंटीमीटर, ओए कितना है सेंटीमीटर, और आपको फाइंड आउट करना है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब ओए ये 7 है तो ये भी तो 7 है, और ये 7 है तो ये भी तो रेडियस है, और ये भी आपकी क्या है इस बड़े वाले सर्किल की क्या है रेडियस है, तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। ये 7 सेंटीमीटर होगी, तो इसके सेंटर को यदि मैं ओडेस ले लूं, ओडेस ले लूं, तो इसकी रेडियस आपकी कौन सी हो जाएगी आर वन, और ये रेडियस कौन सी हो गई आपकी आर टू, ठीक है। अब मैं एरिया फाइंड आउट कर रहा हूं, आपकी थीम यही होनी चाहिए। सबसे पहले देखो आपको एरिया किसका चाहिए, इस सर्किल का एरिया चाहिए छोटे वाले का, फिर ये वाले एरिया चाहिए, तो पहले मैं इसी को फाइंड आउट कर देता हूं। तो ध्यान से देखना, मुझे आर वन की वैल्यू, मैंने आर वन माना इसको, तो इस आर वन की वैल्यू कितनी होगी, कितनी होगी देखो ओडी, यानी ओडी क्या आपका इस स्मॉल सर्किल का डायमीटर है, तो ओडी अपॉन में 2, यानी कितना आर वन आ जाएगा आपका, ओडी कितना है 7/2 सेंटीमीटर। फिर आर टू आपका कितना है ओए, ओए कितना है 7 सेंटीमीटर, और ओए किसके इक्वल है ओबी एंड ओसी के भी इक्वल है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चलो मैं यहां पे पूरा लिख देता हूं, देखो आर टू किसके इक्वल है ओए के, ओबी के, ओसी के, कितनी वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर आ गई। तो सबसे पहले मैं इसका एरिया फाइंड आउट करूं, तो एरिया ऑफ स्मॉल सर्किल, एरिया ऑफ स्मॉल सर्किल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, इसकी रेडियस मैंने आर वन ली है तो आर वन आ जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7, आर वन की वैल्यू 7/2 स्क्वायर है, तो डबल लिख दीजिए, इस 7 से ये 7 कैंसिल आउट, और इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट करूंगा, तो ये हो जाएगा 27/2, यानी ये 11 हो जाएगा, 11 × 7 कितना 77/2 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब मुझे देखो इसका एरिया चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए, ये कैसे आएगा इस हाफ सर्किल में से, इस हाफ सर्किल के एरिया में से इस ट्रायंगल वाले एरिया को माइनस कर दूंगा, तो आपका जो शेडेड रीजन आ जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो मुझे निकालना है ये वाला एरिया, तो मैं थोड़ा ध्यान से ऐसे कर लेता हूं कि ए बी सी डी हो गया, ये ई हो गया आपका, ये एफ, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब मुझे एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब शेडेड रीजन कौन से है देखना ध्यान से, ए ई सी, ए ई सी, वापिस ए पे, एंड यहां से बी एफ सी, बी एफ सी बी, ये एरिया फाइंड आउट करना है। इसका एरिया कैसे आएगा इस हाफ सर्किल में से, इस हाफ सर्किल में से, हाफ सर्किल यानी एरिया ऑफ सेमी सर्किल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस करना आपको एरिया ऑफ, एरिया ऑफ ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो इसको मैं फाइंड आउट करूं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका दोनों डायमीटर आपका परपेंडिकुलर है, तो हाइट क्या हो जाएगी आपकी ओसी हो जाएगी, और बेस क्या हो जाएगा आपका ए बी हो जाएगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल वाला मैं फॉर्मूला यहां पे अप्लाई कर सकता हूं। तो सबसे पहले तो मैं सेमी सर्किल का एरिया फाइंड आउट करूं, तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या होगा पाई आर स्क्वायर बाई टू, पाई आर स्क्वायर बाई टू, तो यहां पे रेडियस आपकी आर टू है, तो ये लीजिए आर टू, पाई की वैल्यू कितनी 22
अपॉन में 7 इंटू आर टू की वैल्यू कितनी है, आर टू जरा 7 सेंटीमीटर, तो ये 7 और ये 7 अपॉन में कितना है 2, इस 7 से ये 7 कैंसिल आउट और इस 2 से ये कैंसिल आउट 11, वैल्यू कितनी आ गई 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है सेमी सर्किल का एरिया आ जाएगा। फिर मुझे ये सेडेड निकालने, तो इस ट्राइंगल का एरिया देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा ए बी सी, क्या फॉर्मूला लगेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला, तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना आपका ए बी है, तो ये लीजिए ए बी, बेस कितना आपका ए बी, इंटू हाइट कितनी आपकी ओ सी, ए बी की वैल्यू कितनी है 7 + 7, ए बी देखो पूरा ओ ए प्लस ओ बी, तो 7 + 7 कितना 14 प्लस इंटू ओ सी कितना है 7, ये आ जाएगा, इसको मैं इसे कैंसिल आउट करूं तो ये आ जाएगा 49 सेंटीमीटर, 49 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ यहां पे वैल्यू पुट कर दूं, एरिया ऑफ, या फिर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पे देखना, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ यहीं पे देख लेता हूं, ठीक है, या फिर मैं ऐसे लिख देता हूं टोटल सर्किल का निकाल लूं, क्योंकि ये लिखना नहीं पड़ेगा आपको। देखो इसकी वैल्यू तो कितनी आ गई 77 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 49, इसको मैं माइनस करूंगा तो 17 में से 9 गया 8, यानी 17 में से 9 गया 8, 7 माइनस 5 कितना 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। अब टोटल शेडेड, टोटल एरिया ऑफ शेडेड रीजन, टोटल एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, इस सेमी यानी इस सर्किल का एरिया स्मॉल वाले का 77 अपॉन 2 प्लस प्लस ये तो आएगा टोटल, क्योंकि इसका एरिया कितना आया 28 आ गया, ये जो आपको दिख रहा है, और इसको ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो एलसीएम कितना आ गया 2, तो ये 77 प्लस इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा 56, तो कितना आएगा देखो 3 और ये 12 और 1 13 अपॉन में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है, समझ गए होंगे आप। आंसर में चेक कर लेता हूं एक बार, क्वेश्चन नंबर आपका 9th में पॉइंटों में वैल्यू है तो पॉइंटों में निकाल देता हूं, देखो कितनी वैल्यू है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 6, फिर 13, 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आपका इसका आ जाएगा, क्लियर बात, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9th। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए, अपन चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10th के अंदर, 10th और 11th के अंदर दो फिगर गिवन थे आपको, तो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया। देखो गिवन क्या है, द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ एबीसीडी, यानी आपको एरिया दे दिया इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी डी इक्वल टू 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर विथ ईच वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल एज द सेंटर ए सर्किल इज ड्रॉन विथ रेडियस इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल, यानी इस इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको गिवन है, उसकी जो इस सर्किल यानी इन सर्किल की रेडियस क्या है, इस पूरी साइड यानी ट्राइंगल की साइड का हाफ है, तो इस पूरे को निकाल लूंगा तो ये रेडियस आ जाएगी, ठीक है, तो ये पॉइंट मैं ले लेता हूं, ये पॉइंट आपका डी और ये पॉइंट आपका ई और ये पॉइंट आपका एफ, तो ये सबसे पहले ए बी, ए बी आपकी आ जाएगी, तो डी क्या हो जाएगा इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, तो मिड पॉइंट है तो ए डी अपनी आ जाएगी, और वो कौन देगा, ये एरिया देगा, ठीक है ना। आगे देखो आगे क्या गिवन है आपको, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, आपको फाइंड आउट करना है, तो शेडेड रीजन आपको बीच में दिख रहा है उसका एरिया फाइंड आउट करना है,
और रूट की वैल्यू और पाई की वैल्यू, रूट थ्री की वैल्यू आपको यहां पे यूज करनी है कितनी, 1.73205 ये वैल्यू आपको यूज करनी है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, अपन शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करें तो सबसे पहले ये साइड आनी चाहिए, ठीक है। साइड आने के बाद में यानी ये जो रेडियस आ जाए, तो रेडियस निकालने के बाद में इस टोटल में से यानी इस टोटल एरिया में से इस सेक्टर का एरिया, इस सेक्टर का एरिया और इस सेक्टर का एरिया में माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं रेडियस फाइंड आउट करता हूं। तो आपको गिवन है एरिया ऑफ, एरिया ऑफ इक्विलेटेरियल ट्राइंगल, चलिए मैं यहीं पे लिख देता हूं। देखो इक्विलेटेरियल ट्राइंगल के एरिया आपको गिवन है, तो इक्विलेटेरियल ट्राइंगल का एरिया कितना, 3/4 a² ए की आपकी साइड है, ठीक है ना। और इक्विलेटेरियल ट्राइंगल के अंदर साइड क्या होती है, इक्वल, तो ये तीनों साइड आपस में इक्वल है। और ये वैल्यू कितनी है, 0.0, ये इतनी है। अब रूट थ्री की वैल्यू कितनी, ये चलो एक बार इधर लेके आओ, तो ये मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर इक्वल टू 7320.5, ये 4 तो इधर मल्टीप्लाई और ये रूट थ्री इधर आएगा और इसकी वैल्यू कितनी है, 1.73205, ये वैल्यू है। अब इस पॉइंट को मैं उठा दूं, इस पॉइंट को, ठीक है, या फिर इस पॉइंट को उठा दूं और ये पॉइंट यहां पे लाना है मुझे, तो देखो इसको मैं कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये वैल्यू आ जाएगी, देखिए कितना, 4 डिजिट आगे किसका आना है, तो 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये भी 10,000 से मल्टीप्लाई होगा, ये लीजिए 4 जीरो लगा दिए मैंने, ठीक है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी वो देखो, ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको रहने दो ऐसे, 0.5 × 2, ये 40,000 हो जाएगा, अपॉन में ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये पॉइंट इसके 4 डिजिट आगे खिसक जाएगा, तो कितना आएगा मल्टीप्लाई करते 0.5 आ जाएगा, ये सेम वैल्यू से सेम वैल्यू कैंसिल आउट, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 4, या इसको अलग लिखो तो अलग लिख देना, ये 1000 आपका इंटू में 4, तो 4 × 10,000, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, इधर आ गई ये रूट में, तो 4 का रूट कितना 2, 10,000 का रूट करूंगा तो कितना 100, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 सेंटीमीटर, यानी आपको साइड आ गई ट्राइंगल की साइड, यानी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, ये वैल्यू कितनी आ गई 200 सेंटीमीटर आ गई, ये 200 सेंटीमीटर है। तो ए डी या रेडियस ऑफ सर्किल में फाइंड आउट करूं, रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस कौन कौन सी है, एडी रेडियस है, ठीक है ना, या ए रेडियस ही फाइंड आउट कर दो, एडी मैंने आर वन ही बोल दो इसको, ये आर वन आपका, ये भी आर वन है, ये भी आर वन है, ये भी आर वन है, ये आर वन है और ये भी आपका आर, ठीक है, आर ही बोल देता हूं क्योंकि ए की रेडियस लेनी है आपको, ये लीजिए, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, साइड 200/2 कितनी 100 सेंटीमीटर आ जाएगी, तो ये रेडियस कितनी आ गई 100 आ गई। ये तीनों सेक्टर एक जैसे हैं, तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कितना आएगा, पाई, पाई ने थीटा, थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू कितनी है, अपन जानते हैं इक्विलेटेरियल ट्राइंगल के अंदर ईच एंगल कितने का 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री इंटू में पाई की वैल्यू 22/7, और पाई अगले ने बोला है कि आपको कितना लेना है, 3.14 ही लेनी है, ठीक है, और फिर 100 × 100 ये वैल्यू आ जाएगी। इसको मैं इसे कैंसिल आउट करूं तो ये यहां पे कितना 6, तो इस वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा
तो 114 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 00 अपॉन में कितना 6, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। अब मुझे चाहिए ये शेडेड डिजाइन का एरिया, तो इस पूरे एरिया में से इन सेक्टर का एरिया में माइनस कर दूंगा तो शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आएगा, एरिया ऑफ इक्विलेटेरियल ट्राइंगल, एबीसी में से माइनस करना है 3 into, अब 3 क्यों लगाया, क्योंकि ये सेक्टर 3 है, तो एरिया ऑफ ई सेक्टर इतना आपको इसमें लिखना है, ठीक है। अब मैं इतना लिख दूं तो इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं, ठीक है ना, ये आप नोट डाउन कर लिया होगा। देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ इक्विलेटेरियल की वैल्यू कितनी है 17320.5 माइनस करना है 3 इंटू वो वैल्यू कितनी है एरिया ऑफ सेक्टर की, ये 31400 अपॉन में 6, इससे मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो 2 और 2 से इसको कैंसिल आउट कर दो तो 1 और 5 7 और ये 0 और ये 0, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब माइनस कर देता हूं मैं, ठीक है, 17320.5 माइनस 15700 से माइनस करना आपको, तो ये 0.5, 0 माइनस 0 कितना 0, 2 माइनस 0 कितना 0, 13 माइनस 7 कितना 6, 7 माइनस 6 कितना 1, 1 माइनस 1 कितना, ये आ जाएगा 1600.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा, ठीक है। आंसर मैं एक बार चेक कर लेता हूं इसका भी, क्वेश्चन नंबर आपका ये है, ठीक है, मिस्टेक हुई है कहीं पे हुई है, ठीक है जी, आपका एरिया आ रहा है 1620 आ रहा है, तो देखते हैं 2 माइनस, अच्छा यहां पे क्या है, देखो ये तो 5 आ जाएगा, 0 माइनस 0, 2 माइनस 0, 7 माइनस ये आएगा, ठीक है, ठीक है, ये आपका इसका एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर फिगर आपको गिवन है, फिगर में देखो क्या क्या गिवन है, ऑन स्क्वायर हैंडकर चिप 9 सर्कुलर डिजाइन ईच ऑफ द रेडियस 7 सेंटीमीटर, यानी एक सर्कुलर डिजाइन किए हुए हैं, कितने हैं 9 है और हर की रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो ये 7 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस यहां से यहां तक ये 7 सेंटीमीटर, फिर इसकी रेडियस ये 7 सेंटीमीटर, ये भी तो 7 सेंटीमीटर है क्योंकि ये रेडियस और ये रेडियस सेम होगी, ये रेडियस और ये रेडियस भी सेम होगी और ये रेडियस भी आपकी क्या होगी सेम होगी, और ये डिजाइन किसके अंदर है स्क्वायर के अंदर है, तो एबीसीडी आपका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा और इसकी रेडियस आर हो जाएगी। तो इस पूरे की साइड की भी बात करूं तो साइड देखो 1 2 3 4 5 6 है, तो ये टोटल साइड कितनी हो गई 42 सेंटीमीटर हो जाएगी, 42 सेंटीमीटर इतना आपको गिवन है। आर मेड फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंड हैंडकरचीफ, आपको रिमेनिंग पोर्शन निकालना है, ठीक है, तो इसको मैं रफ कर देता हूं, देखो निकाल देते हैं इसको भी, देखो क्या निकालना है, एरिया ऑफ रिमेनिंग है क्या, रिमेनिंग रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ, इसका एरिया निकालना है मुझे, तो इसका एरिया आएगा कैसे वो देखो, इसका एरिया कैसे आएगा यहां पे लिखता हूं मैं, कैसे आएगा देखना ध्यान से, यदि मैं टोटल स्क्वायर के एरिया में से, तो एरिया ऑफ स्क्वायर
एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी माइनस करना है, किनको करना है, इन सर्किल के एरिया को माइनस करना है, और ये सर्किल है कितने, 9, तो 9 इंटू एरिया ऑफ ईच सर्किल, एरिया ऑफ ईच सर्किल ये लीजिए, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा, साइड का स्क्वायर, माइनस करना है एरिया ऑफ, तो 9 इंटू एरिया ऑफ सर्किल कितना, पाई आर स्क्वायर, साइड कितनी है 42 का और स्क्वायर, माइनस 9 इंटू पाई की वैल्यू, अगले ने बोला हुआ है क्या, देख लेता हूं, नहीं है तो देखो पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7 इंटू आर की वैल्यू 7 इंटू 7, इस 7 से ये 7 कैंसिल आउट, 42 का मैं स्क्वायर कर दूं तो 42 का स्क्वायर देखो, 42 का स्क्वायर करना आपको, तो इसका स्क्वायर करो 16, 2 का स्क्वायर करो 04, 4 इंटू 2 कितना 8, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 16, तो ये वैल्यू आपकी स्क्वायर की आ जाएगी, कितना आया 1764, ठीक है ना, 1764 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा दो, 9 को 3 7 से मल्टीप्लाई करो तो 63, 22 का मल्टीप्लाई करवाना है तो ये 6 और ये 12, 126 और 6 2 तो ये 6831, ये वैल्यू आ जाएगी, माइनस कर दो 14 माइनस 6 कितना 8, 6 माइनस 9 यानी 16 माइनस 9 कितना 7, और 7 माइनस 4 कितना 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11, कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 अपन नेक्स्ट वीडियो के